नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। नुपुर शर्मा को लेकर भड़काऊ और विवादित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में अजमेर पुलिस ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान चिश्ती से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को इनाम देने की बात वीडियो में कही थी और नशे की हालत में विवादित टिप्पणियां भी दी गई थी। मामले को लेकर अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए टीमें बनाकर आरोपी सलमान चिश्ती के घर के साथ ही अलग अलग स्थानों पर दबिश देना शुरू किया। सोमवार को मीडिया और पुलिस के सामने आए इस वीडियो के बाद देश भर में हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस ने भी अभी अपनी जांच को तेज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास तेज किए और आरोपी सलमान चिश्ती को खादिम मोहल्ला घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, उपाधीक्षक संदीप सारस्वत और थाना प्रभारी दलवीर सिंह के साथ ही अन्य पुलिस जाब्ता और सोशल टीम के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। गिरफ्तारी के बाद एडिशनल SP विकास सांगवान ने बताया कि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिम का काम करने वाले सलमान चिश्ती को पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट और विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर जारी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सलमान ने इस विषय में पूछताछ की जा रही है कि उनसे ये वीडियो क्यों और कहां बनाया और इसके पीछे क्या मकसद था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी करी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टिसा से ये वीडियो नशे में बनाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि सलमान चिश्ती अजमेर दरगाह थाना का हिस्ट्री सीटर भी है, जिस पर हत्या के साथ ही 13 से अधिक मुकदमे चलाए गए थे, जिसमें एक ट्रायल जारी है। अब पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही हर पहलू की तफ्तीश करने में लगी है।